आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। छात्राओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगी प्रियंका गांधी। रविवार को गोरखपुर जिले के चंपा देवी पार्क में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि भविष्य में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी छात्राओं को एक स्कूटी और स्मार्टफोन देगी। इसके अलावा शिक्षित बेरोजगारों को 20 लाख सरकारी नौकरियां देगी और किसानों का कर्ज माफ करेगी। गेहूं का दाम 25 रुपए और गन्ने का दाम 400 रुपए कुंटल तथा 10 लाख तक मुफ्त इलाज करेगी। आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए हर परिवार को 25,000 की आर्थिक मदद तथा महिलाओं को 40% टिकट देने का काम करेगी। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ झूठ बोलने और देश बेचने का काम कर रही है। भाजपा की राजनीति जनता को पीड़ा देने और जनता पर प्रहार करने की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रगति और परिवर्तन की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त और सरकारी बसों में फ्री यात्रा तथा आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए 10,000 महीने के मानदेय की व्यवस्था की जाएगी। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा और निषादों को नदियों के संसाधनों व मत्स्य पालन का हक दिया जाएगा। उन्होंने गोरखपुर में गुरु मच्छिंद्र नाथ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की भी घोषणा किया। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए गोरखपुर में जन सैलाब उमड़ा हुआ था। यह भीड़ एक चर्चा की विषय बनी रही। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा? समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई चुनाव नहीं करूंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।